Janet from the Sunday Night Club Leadership. She went to the street. And Sunday Night Select Club. She was from the West DC. साहित्य का साहित्य के लिए साहित्य को समर्पित इस सम्मान समारोह का ये द्वितीय संस्करण है और जैसा कि पिछले वर्ष के आयोजन में आपसे साझा किया गया था राज्य की राजधानी में समारोह का आयोजन किया जाएगा इसलिए दिल्ली से प्रारंभ हुई ये यात्रा आप पहुंची है मराठी साहित्य के प्रदेश और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अमर उजाला समूह की ओर से शब्द सम्मान 2019 समारोह की संध्या में मैं आप सब सम्मानित अतिथियों का स्वागत करती हूँ। अमर उजाला समूह के प्रबंध निदेशक श्री राजुल माहेश्वरी जी और समूह सलाहकार श्री यशवंत व्यास जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर मौजूद अतिथियों को खुशबुझ भेंट कर उनका स्वागत करें और अमर उजाला समूह के अधिकारीगण मंच के सामने विराजमान अतिथियों को खुशबुझ भेंट करें।
श्री यशवंत व्यास जी से अनुरोध करूंगी कि वे अमर उजाला शब्द सम्मान की परिकल्पना से सबको परिचित कराएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा अनूठा अवसर है जब अमर उजाला ने ये सोचा था कि हम लोग हिंदी में अखबार निकालते हैं तो हमारा भारतीय भाषाओं के प्रति कोई दायित्व भी है कि नहीं, और इसलिए ये सोचा कि जब हम किसी को जीवन गौरव पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा कुछ दें तो हिंदी में दें, उसके साथ साथ एक भारतीय भाषा को भी। तो पहली बार जब ये तय किया गया तो पहला अवार्ड नामवर सिंह जी को मिला और कन्नड़ में गिरीश कर्नाड को हमने उसको दिया था। तब अमर उजाला ने एक घोषणा की थी कि जिस किसी दूसरी भाषा का आकाशदीप सम्मान किसी साहित्यकार को दिया जाएगा तो हम उसे दिल्ली नहीं बुलाएंगे, हम उसे वहीं जाकर सम्मानित करेंगे। तो इस तरह से हिंदी मराठी की भावभूमि पे आई है और मराठी के साथ हाथ मिलाकर इस मुंबई में आप लोगों के साथ इस शाम को बिताना चाहती है। हमारे लिए ये बहुत गौरव का क्षण है। ये कहते हुए मैं आपसे एक स्टैंडिंग ओवेशन चाहूंगा कि इस वक्त जो दो लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले हैं, ये दोनों लोग महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं एक अकेले, इसलिए आपसे बहुत सहज कुछ चीजों को आगे बढ़ाएं, सम्मान की श्रृंखला को शुरू करें। एला जी आइए। आकाशदीप से सम्मानित हो रहे मनीषी, हिंदी साहित्य के अनुरोध करूंगी कि वो शॉल 12वीं शताब्दी के सेन वंशकालीन गंगा की प्रतिमा जो इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है की प्रतिकृति चेक और प्रशस्ति पत्र देकर हमारे मनीषियों को सम्मानित करें। अब आकाशदीप से मूर्धन्य मराठी कवि उपन्यासकार और आलोचक आज की साहित्यिक संध्या द्विवेदी जी को बुलाया जाए।
छाप में ही अपने कविता संग्रह प्रथम प्रकाशित कृति के लिए था पुरस्कार अपने कविता संग्रह कुलाहल की कविताओं के लिए श्री अंबर पांडे। अनुवाद श्रेणी में भाषा बंधु पुरस्कार निशब्द की तर्जनी शंख घोष के बांग्ला गद्य संग्रह की हिंदी में अनुवादित कृति के लिए श्री उत्पल बैनर्जी। परम प्रिय गुलजार साहब,
कुरुसला और हिंदू एक समृद्ध कबाड़ के बड़े कथाकार भालचंद निमाड़े, पुरस्कृत सहयात्रियों आकाशदीप सम्मान को आकार देने वाले अमर उजाला समूह के सदस्यों और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया भर में उच्चतर सम्मानों में दिए गए सदा जीवित जगमगाते व्याख्यानों को हम बार बार पढ़ते हैं, प्रकाशित भी करते रहे हैं। प्रायः सम्मानित होने पर विनम्रताएं या गर्वोक्तियां प्रकट होती हैं। यहाँ मेरा वक्तव्य बहुत सीमित, संक्षिप्त, आत्मपरक और रिवाजों से हटकर है, इसके लिए पहले ही क्षमा मांगता हूँ। जीवन के अंतिम उत्तरार्ध में आकाशदीप पाकर मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ, खास तौर पर जबकि मैंने दिया कम है और मुझे मिला अधिक है। पर यह जरूरी भी है कि मेरी आत्मा में जो हलचल है उससे आपको परिचित करा दूं। इस सभागार और मंच पर हमारे समय के अत्यंत संवेदनशील लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर मेरा देश इस दौर में सेहतमंद और संपन्न होता तो इस पुरस्कार की खुशी मुझे 100 गुना होती। जी हाँ, मुझे ऊर्जा और विजय पसंद है, पर मैं जो हासिल करता हूँ उससे जल्दी ही उदास हो जाता हूँ। मुझे पहचानहीनता और आत्मनिषेध भी पसंद है, लेकिन जिजीविषा मुझे अपनी तरफ खींचती है। इसका कारण हमारा देश है। मैं एक छोटे शहर में तन्हाई में लगभग अज्ञात शैली से अपना काम करता हूँ। खास बात यह कि मेरे शहर ने चौकन्ना और धुरंधर होने से इनकार कर दिया है, बावजूद इसके मुझे बार बार खोज लिया जाता है, शायद मौलिकता और मेरी बेचैनियों की वजह से। मेरा काम ही ऐसा है, कैसा, जैसे पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने, नदियों की छाती पर पुल बनाने, जंगलों बिहड़ों से गुजरते जाने और रीतीले तपिश भरे अनुभवों में जाने और लौटने का होता है। एनकाउंटर, पेरिस रिव्यू, पार्टीजन रिव्यू, पोएट्री, लंदन मैगजीन जैसी पत्रिकाएं निकालने वाले कल्पनाशील लोग भी अंततः दुनिया में तबाह हो गए। मेरा रास्ता जिसे मैंने चुना वह भी तबाही का था, सांसारिक सफलताओं का नहीं। जब मैं युवा था, कहानियां लिखता था, मेरे साथ जोशीले कलंदर, मोहब्बतों से भरे हुए जिंदा दिल लोगों की दुनिया थी। वह सोहबतों का एक बहुत खूबसूरत वृंदावन था। बड़ी बेकरारी थी, रचनाएं जुगनुओं की तरह धमकती थी। जब जीवन के मध्यकाल में अपनी संपादकीय दुनिया गहरी जिद के साथ शुरू की तो अपने लेखक को ईंधन की तरह उसमें झोंक दिया। इसके बिना पहल की दुनिया नहीं बनाई जा सकती थी, जिसमें आज देश देशांतर के अनमोल रचनाकार यात्रा करते हैं। दो नावों पर सवारी एक करिश्मा हो सकता है, पर वह मूल्यवान नहीं है। दुनिया के तमाम शानदार रिसालों का सपना देखते हुए मैंने पहल शुरू की जो 45 वर्षों से जारी है। बहरहाल तब और अब का फर्क यह है कि आज हमारी दुनिया के होनहार, निराश, शोकमग्न और पराजित लोग हमारे बेसमेंट में काम कर रहे हैं। वे मुझसे एक प्रतीक्षा करते हैं, पर हमारे देश का वर्तमान अंधेरा और हिंसक है। हम समय के माहिर और समय के उस्तादों से घिर गए हैं। अब हमें अंधेरों में टटोल टटोल के बढ़ना है। वाचालों की आवाज़ें गूंज रही हैं। हम पैदल हैं और हमारे साथ हाथ में हमारे महान युग प्रवर्तक लेखक कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की लालटेन है, जो रफ्तार
रक्तपात, विरुद्ध जनता और खूंखार शास्ता से हमें आगाह करती है। पहल को चलाने वालों का कुनबा कुछ ज्ञात है और कुछ गुमनाम। इसे मैं पहल का अंडरवर्ल्ड कहता हूँ। यही वे रस्सियाँ हैं जो हमें कुओं से निकालती हैं और पानी उलीचती हैं। मैं याद करता हूँ इसी मुंबई शहर में नामदेव ढसाल ने कई रात मुझे अंधेरी दुनिया की सैर कराते हुए वास्तविक जीवनियों से मेरा परिचय कराया। वसंत दत्तात्रेय गुर्जर और बाद में दिलीप चित्र से मेरी दोस्तियाँ हुई। इस अंधेरी दुनिया के ऊपर मीना बाजार धमक रहे थे। भारतीय लेखन ने अपनी भाषाओं में तत्कालीन भाषा और मुहावरे की खोज कर ली थी, सो हमें चैन आया और हम पढ़ने लिखने में डूब गए। आज की हालत यह है कि हमारा नव निर्माण चिंताजनक है। हम रेत में चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, पर हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। हम दलदल में गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं। पहले आताई और बर्बर बाहर से आते थे, अब वे घर से ही निकल रहे हैं। घर बाहर का अंतर खराब था। इसको रचने के लिए आधुनिक भाषा असफल हो गई है। ट्रास्कीय और जनपदीय वाक्य कारगर गद्य नहीं बना पा रहे हैं। कुछ भी बताना आसान नहीं है। दोस्तों, सोचिए, इस जगमगाती शाम के बाद मुझे इसी देश दुनिया में वापस लौटना है जहां रात बहुत लंबी है और मुझे काम स्थगित नहीं करना। बहरहाल, भीतरी तकलीफों के बावजूद आज की शाम बहुत यादगार और अभूतपूर्व है मेरे लिए। ऐसा मैं संतुलन के लिए नहीं कह रहा हूँ। खुशी और रोमांच इस उम्र में भी मिल सकता है, इसका अनुभव कर रहा हूँ। आकाशदीप सम्मान सभी गैर सरकारी सम्मानों से इतर और उच्चतर है कि वह हिंदी के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को भी समान दर्जा देता है। वह जन्म लेते ही वयस्क हो गया है। इसने साहित्य की क्षेत्रीय और कूट धाराओं को तोड़ दिया है। इसमें लोकतंत्र की रोशनी है। ज्यूरी भी विविध और पारदर्शी है। उसमें सर्वोत्तम रचनाकार आते जाते हैं और उनका कोई चक्रव्यूह नहीं है। वे आज़ाद हैं। बस आप सब ने मुझे साझा किया, मुझे सराहना दी, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब मराठी साहित्य के आकार मैं अब मराठी साहित्य के आकार बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्रन जी और भालचंद निवाड़ी जी का वक्तव्य सुनकर कहीं ना कहीं ये विचार और पुख्ता होता है कि साहित्य हर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा को लांघकर मनुष्यता को बचाए रखने और बनाए रखने में अपनी जो भूमिका निभाता रहा है वो आगे भी निभाता रहेगा। बहुत बहुत आभार। अमर उजाला शब्द सम्मान 2019 की एक छाप उपन्यास पुरस्कार के निर्णायक श्री अब्दुल बिस्मिल्ला जी, भाषा बंधु पुरस्कार के निर्णायक श्री ज्योतिष जोशी जी,
इस आयोजन के महत्वपूर्ण सहयोगियों में मुंबई के आयोजन चौपाल से श्री अशोक बिंदल जी, ऋतुरंग के संपादक श्री अरुण शेट्टी जी, अब मैं गुलजार साहब से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे मार्गदर्शन के लिए कुछ कहें। दोस्तों, मित्रों कहते कहते रुक गया। किए हुए हैं और मेरे दोस्त और अजीज यशवंत व्यास जी, जो जी लगाए बगैर मुझसे उनका नाम लिया नहीं जाता, मुझसे होते में कोशिश करता हूँ, उन्हें एतराज रहता है, लेकिन उनका मशहूर कि उन्होंने इतने विद्वान लोगों के बीच में मुझे जगह दी, मौका दिया। अब उन्हें माफ नहीं कर सकता मैं कभी भी कि वे ला के ऐसी जगह को बिठा देते हैं, जो मैं बाहर कह रहा था कि आपने ऐसी कुर्सी में बिठाया जहाँ पैर नीचे नहीं लगते, और ऐसी जगह पे बैठते हुए थोड़ा सी मुश्किल होती है, क्योंकि सुना है प्यार दो प्यार मिलता है, आदर दो आदर मिलता है, लाड दो लाड मिलता है, अवार्ड दो। अवार्ड दो तकरीर करने को तो ये तकरीर से जरा सा बच रहा था, लेकिन हैं दोस्त हैं, मेहरबान हैं, वो हर तरह से हरकतें करते हैं और दोस्ती निभाते हैं। ये कि ऐसे विद्वानों में, ऐसे जानकारों में, ऐसे लोगों में जिनके पास इजहार है, एक्सप्रेशन है, जिन्हें जिंदगी दिन रात छूटी है और उसका इजहार भी कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर लेते हैं, उनके पास बैठ के सीखने का मौका भी मिलता है और कहने का मौका भी कुछ आदमी सीख लेता है। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ और बताया यशवंत जी ने आके ये अवार्ड देने और एक तारीख दे के और कुछ नाम दे के यहाँ से निकल गए, फिर आऊंगा दिल्ली से, और दिल्ली से हर आने वाले से डर लगता है वैसे ही।
तो पता नहीं क्या करें, क्या कानून लेकर चला है, क्या लेकर आए, क्या ज्ञान जी से वाकफियत थी। एक जमाने में मुझे पहल से, पहले पहल मेरी मुलाकात हुई, पहल ही से उन्हीं की मैगजीन से उन्होंने मेरा तारुफ कराया था, परिचय कराया था, कुछ वक्त तक साथ साथ चलता रहा, लेकिन सीखते रहे। पता नहीं उन्होंने कहानी लिखना क्यों छोड़ दिया, कहानी लिखते थे, बड़ी कमाल की कहानी लिखते थे, अब भी कुछ कहानी मंगवा के दोबारा पढ़ी मैंने, अब पिता जैसी कहानी आपकी, अब इससे खूबसूरत मिडिल क्लास को एक गर्मी की शाम में कौन डिस्क्राइब कर सकता है, और पूरे समाज का वो हिस्सा नजर आने लगता है जो उस गर्मी में जीते हैं, और वो गर्मी सिर्फ मौसम ही के नहीं, वो मौसम, उस मौसम में वो अपने पूरे समाज की गर्मी बयान कर जाते हैं आपके सामने। तो दोबारा पढ़ी और लगा, और उनके बोली, उनके अल्फाज, उनके शब्द आपने सुने, वही ज्ञान रंजन है। सीधा बोलना, साफ बोलना, कहना और करस्ती से कहना, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच तो नहीं बदला जा सकता ना, उसे कैसे सॉफ्ट किया जाए, उसे कैसे नरम किया जाए, कैसे खस्ता बना दिया जाए, क्या? ये बहुत बड़ी खूबी है आपकी, जो आपसे हम सीखते हैं, जानते हैं, और उसका आदाब कहते हैं, सलाम करते हैं आपकी उस वाणी को, उस इश्तहार को। और ये जरूर है कि आपसे कहानी की शिकायत इसलिए कि क्यों छोड़ दी, लेकिन ये भी जानते हैं क्योंकि कहानी तो खत्म नहीं हुई, कहानी तो वक्त की और हिंदुस्तान की कहानी तो चल रही है, और अभी वो पक रही है और हर लम्हा छू रही है हर शख्स को, हर कौम में, हर आम आदमी को। मेरे एक आम आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, जिसका नाम मुरारी लाल है, और मैं अक्सर उसके किस्से सुना करता हूँ, बताया करता है। वो कहानी मुरारी लाल की अभी कॉमन मैन की अभी तक चल रही है, और वो हिस्सा है आपका कहना, लेकिन ये कि वो अगली नस्ल में से जो चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं, वो भी एक रहनुमाई है, उससे रहनुमाई मिलती है, वो आप एक और बड़ा काम कर रहे हैं। इन हालात में जानता था, फिर एक और बात जो रवायत जो अमर उजाला में शामिल हुई, जिसका जिक्र किया यशवंत जी ने, वो ये है कि हिंदी के अवार्ड्स हैं, हिंदी के अलावा दूसरी जबानें जो हिंदुस्तान की हैं, जिन्हें हम छोटी जबानें, ये छोटी छोटी नहीं, मतलब वो छोटे इलाके हैं, जबानें छोटी नहीं हैं, शायद छोटे इलाकों में, यानी हिंदी के नाम तामिल को, बंगला को, मराठी को, जिन्हें हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे चुके हैं, अपने छोटी जबानें तो नहीं कह सकते, सारी की सारी कौमी जबानें हैं हमारी, और उनकी उम्र भी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी, और उसमें जो साहित्य जो अदब पैदा हुआ है वो आज भी मिसाली है। बहुत से, क्योंकि मुझे अरसा हुआ यहाँ रहते रहते, पीएल से लेके और कुसुमाग्रज जी के साथ, उनके साथ साथ तो मुलाकात हुई, बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है कि एक नामदेव को तो हमने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ लिया था पंजाब में, और दूसरे नामदेव जब यहाँ मिले तो उन्होंने इस जिंदगी से वाबस्ता कराया, वो तो बाद की जिंदगी का बता रहे थे, मैंने किस जिंदगी से उस नामदेव से, दिलीप चित्रे और इनसे जब कुरान कर से इनसे इन्हें पढ़ा, मुलाकात हुई तो
बहुत कुछ लगा, ये नया नमक चखा यहाँ का, यहाँ की समुद्री हवा में पलती हुई मराठी। और जब उन्होंने ये कहा कि ये एक और रवायत है कि हम इन दूसरी छोटी जबान, छोटी मतलब छोटी जब मैं कहता हूँ कि तो रीजनल कह देते हैं, लेकिन दूसरी कौमी जबानों को भी जब हम अवार्ड दें तो उनके घर जाके देंगे, जिस जो जबानें उन्हीं लोगों में बैठ के देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए एक तो अवार्ड मेरे घर आया, क्योंकि इन दहाइयों में मैं तुम्हारा पांच दिहाइयाँ काटी है यहाँ पे, तो हक रखता हूँ खुद को महाराष्ट्रियन कह देने का। मैं तो बड़ी अच्छी कॉस्मोपॉलिटन मिसाल हूँ हिंदुस्तान में अपने वतन के लिए, पंजाब में पैदा हुआ हूँ, इश्क किया है बंगाल में लेकिन परवरिश हुई है यहाँ महाराष्ट्र में, तो ये सारे हिस्से थे। तो मैं कहा कि मैं नेवाड़े जी का भालचंद्र नेवाड़े इनके नाम से वाकिफ हूँ, इनसे वाकिफ हूँ। अदब मेरे अरुण छोटे मेरा मराठी के चैप्टर हैं, तो उनके थ्रू हर वक्त उनके लिए मुसीबत हो गया था कि जब भी इनके घर जाओ तो ये कोई ना कोई मराठी की किताब सामने रखते हैं, ये बताओ ये पढ़ के बताओ। तो और उनसे बैठ के बहरहाल कुछ कुछ सीख गए थे। कुसुमा गर्ज का उनका उनकी कविताओं का अनुवाद किया, दिलीप चित्रकर की नज़मों का अनुवाद किया। तो मैं प्रोज नॉवेल फिक्शन जो भालचंद्र जी के साथ निमाड़ी जी के साथ जुड़ा हुआ था, उनकी कविताओं के अनुवाद को भी मेरा ख्याल है आप अवार्ड दे चुके हैं अमर उजाला, तो उनके ट्रांसलेशन को अवार्ड दे चुके हैं आप उनके। तो मैंने कहा कविताएं तो सुनाओ, मुझे अनुवाद नहीं, मुझे रिव्यूज तो सुनो जाके। तो निमाड़ी जी को घूमना पसंद तलाश करता रहा और किसी तरह कोशिश कर करा के अरुण छोटे ने मेरी मुलाकात करा दी और मेरे लिए अब यूँ कह सकता हूँ कि मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट वही था अवार्ड मिले ना मिले। आपको तो अवार्ड मिला था, मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट थी आपको मिलना, एंड मैं मिला उनसे कविताएँ लेकर आया, उसे कह रहा तर्जुमा किए वो भी पेश किए। और ये रवायत ये अदब में ये जितना भी कहिए आज भी इन हालात में भी अगर कोई आवाज शुद्ध है साफ बोलती है और सच कहती है तो वो सिर्फ राइटर की जबान है, सिर्फ आदमी है। तो उसकी आवाज एक परचम की तरह खड़ी है, एक झंडे की तरह खड़ी है। मेरा जी चाह पता नहीं, अगर आपका मूड हो तो मैं आपको इस मुरारी लाल से मिला देना चाहता था, मैंने मनाया। तो मैं कहा कि महाराष्ट्र में रहते हुए हम इससे गुजरे हैं और जो हो रहा तो वही इजाजत है, अगर इजाजत दें राजनाथ जी के मुरारी लाल के माथे से बल नहीं जाते, बस ये बड़ी मुश्किल है। वो मुरारी लाल जो कौन है उसके माथे से बल नहीं जाते निवाड़ जी, तो वो कब बल जाए कैसे जाए वो हर बात पे चिंता में रहता है। उसे कहें कि दुबले क्यों होते तो कहते शहर का अंदेशा रहता है। तो यहाँ हाल में उनसे जब सुना तो वो कह रहे थे हाथी मरे तो मरने दो, प्यादों की मत फिक्र करो। हाथी मरे तो मरने दो और प्यादों की मत फिक्र करो, फीला हटा लो घोड़े खरीदो घोड़े, घोड़ों का व्यापार करो। आप समझे जिसका जिक्र करते हैं वो, नहीं फीला हटा लो घोड़े खरीदो घोड़े, घोड़ों का व्यापार करो। ढाई घर चलते हैं ये, दाएं हो या बाएं,
वजीर बचा लो, कैसी ये शतरंज चली है महाराष्ट्र में मुरारी लाल के माथे से। देखा क्यों लोग बताते फिर हैं, तो मुरारी लाल उनसे कहने लगे, कहने लगे बड़े मस्टंडे मुर्गे, बड़े मस्टंडे मुर्गे थे गली में, बड़े मस्टंडे मुर्गे थे गली में, बचा के रखना मुश्किल हो गया था मुर्गियों को, बड़े मस्टंडे मुर्गे थे गली में, बचा के रखना मुश्किल हो गया था मुर्गियों को, कभी सब टोकरी में रख के ऊपर ईंट रख देते तो चढ़ के ईंटों पर वो बांग देते थे। अगर हम टोकरी में उसे बंद कर गए, जो तो रवायती हमारे तरीका था, कभी सब टोकरी में रख के ऊपर ईंट रख देते तो चढ़ के ईंटों पर वो बांग देते थे, उन्हें डरबों में बंद करते तो दरवाजों पे दस्तक आने लगती थी, बसों में भर के ले जाते हैं अब उन्हें, अब होटलों में बंद रखते हैं, कोई ईगो नहीं है मुर्गियों की, अंडे देते हैं, अगर वोटिंग में आके अंडे देती हैं। तो मैं मुरारी लाल तो बहुत कुछ कहता रहता, सब तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये कि वो मुरारी जिसको भूख भी है और प्यास भी है, तीन तिहाई पानी है जमीन का, बांध भी है, दरिया भी है हमारे यहाँ, नदियां भी हैं, लेकिन उसके नलके में पानी नहीं आता कि मुरारी लाल को प्यास भी लगती है, मुरारी लाल उसकी मुश्किलें उसे मालूम है कि ये कई सरकारें आई और गई भी, सड़क के खड्डे भर भी जाएंगे, मगर मेरी कोल्हापुरी चप्पल का जो अंगूठा उखड़ा था वो बरसों हो गए, उसकी मरम्मत ना हो सकी, मुरारी लाल बहुत 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 शुक्रिया। अब और अमर उजाला समूह के सलाहकार श्री यशवंत व्यास जी से अनुरोध करूंगी कि वो आदरणीय गुलजार साहब का सम्मान करें। अब मैं श्री राजुल माहेश्वरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और अगले साल में हम अमर उजाला शब्द सम्मान के तृतीय संस्करण